साथ मुदित आपको दिखाई देंगे और सामने है जॉनथन और उनके साथ आपको सिंप दिखाई देंगे। और देखना यह है कि सबसे पहले वो 30 का मार्क कौन चूज करने वाला है। एक ग्रेनेड था, उसका इस्तेमाल कर लिया गया। डीबीएस में आपके अनलिमिटेड वो जो गोलियां हैं वो मिलती हैं। जॉनथन पहला शॉट उन्होंने मिस किया, पर सिंप उन्होंने मिस नहीं किया और वो शॉट दे गए। और इसी के साथ जो सामने दोनों खिलाड़ी थे उनको एलिमिनेट किया जाएगा। जॉनथन थे जिन्होंने लॉल्स को समाप्त किया। एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होने वाला है ये मोड, बिकॉज यहाँ पे जो राइट से खेलता है उसके बाद थोड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है हमें, तो शायद यहाँ पे साइड का थोड़ा सा डिसएडवांटेज एक टीम को हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि मुदित ऑलरेडी 2 फिनिशेस निकाल चुका है, 3-2 का स्कोर हमें देखने को मिलेगा। लोल्स की टीम थोड़ा एडवांटेज में है, लेकिन यहाँ पे उस एडवांटेज को इक्वल करते हुए 3-3 की सिचुएशन को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा 4-3 के अंदर। हालांकि जॉनथन नोक है वो भी फिनिश हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिचुएशन वापस से लोल्स के फेवर में जाएंगे, लेकिन 6-3 का स्कोर हो जाएगा दोस्तों, सिचुएशन जॉनथन के फेवर में। और आप ये देखिए ना कि वो जॉनथन को फिनिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर फिनिश कर देंगे तो 2v2 की फाइट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि एक को मारते रहते हैं और वहां पर आप ज्यादा अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। एक को मारा, जॉनथन अपने आप फिनिश हो गए। और जो आप बात कर रहे थे कि राइट साइड वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा, ऑब्वियस चीज है वो, पर आप ये कह सकते हैं कि अब जो दूसरे साइड पर है, जो लेफ्ट हैंड साइड से पीक कर रहे हैं, अब उनको पूरा ही पीक करने की जरूरत पड़ेगी। और वही चीज हम जॉनथन की टीम को करते हुए देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल आगे निकल जा रहे हैं और उसके बाद वहां पर वो फाइट लेते हुए नजर आए। सेम मुदित को उन्होंने डाउन किया, हालांकि वो खुद डाउन हुए। जॉनथन वर्सेस लॉल्स की ये फाइट, जॉनथन एचपी उनकी थोड़ी सी कम है और लॉल्स उसका फायदा जरूर उठाएंगे। 8-8 की बराबरी पर ये स्कोर। एक्चुअली यहाँ पे एक के नोक होने के बाद उसको रिवाइवल के चांस बिल्कुल जीरो रहते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम को पता है कहाँ पे है, कितना स्पेस है, छोटा सा मैप है, तो जाके वहाँ पे 2v1 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करते हैं वो लोग। पर ये लॉल्स का 1v2 बहुत ही ज्यादा शानदार था, जहाँ पर दोनों खिलाड़ी आए और उनके पास एचपी पूरी थी, उसके बावजूद लॉल्स ने वहाँ पर 1v2 किया। हालांकि फिर जो दूसरे खिलाड़ी थे मुदित, वो डाउन हुए और फिर वो रिकवरी पॉसिबल हो नहीं पाई, लॉल्स डाउन कर दिए गए सिंप के द्वारा। अभी भी मुदित है सामने, पर जॉनथन वो उनका ग्रेनेड जिससे सिंप नॉक कर दिए गए। और जैसे आपने बताया भी कि रिवाइवल का तो खैर कोई मौका मिलता है नहीं, क्योंकि सामने आपके वो दोनों ही खिलाड़ी होते हैं और वहां आपके लिए दिक्कतें हो जाती हैं। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसके लिए लोग इंतजार क्यों करते हैं इस पर्टिकुलर मोड के लिए, क्योंकि एक्चुअली में ये डीबीएस का बढ़िया प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। अगर आपको पीक करके प्रैक्टिस करनी है तो आप उसका बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे 1v1 सीधा मुंह पे जाके फाइट लेनी है वो भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब सिचुएशन यहाँ पे 2v1 की देखने को मिलती है, तो एक प्लेयर वहाँ पे एंगेज करे, दूसरा नेड करे, वो चीज अभी हमें देखने को भी मिली। एक प्लेयर वहाँ पे एंगेज करके रखा था उसको एंड दूसरे ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। 15-13 का ये स्कोर रहेगा। लोल्स की टीम थोड़ा सा यहाँ पे डिसएडवांटेज भी थी, लेकिन इक्वल करेगी स्कोर को 15-15 स्कोर। सिचुएशन काफी क्लोज है, पूरा प्रॉपर दोनों ही टीमें ट्राई हार्ड कर रही हैं यहाँ पे। 17-15 की सिचुएशन, लोल्स को थोड़ा सा और पॉइंट की आवश्यकता, पर देखना यह है कि मुदित क्या वो संभाल पाएंगे। जी नहीं, जॉनथन थे जिन्होंने बचे हुए खिलाड़ी दोनों को समाप्त कर दिया, पर सिर्फ वो भी एलिमिनेट होंगे। जॉनथन उनको भी समाप्त किया गया और अब स्कोर में थोड़ी बढ़ोतरी हो चली है। टीम जॉनथन वो 19 की तरफ पहुंच चुके हैं, लॉल्स वो 17 पर हैं। पर जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर जॉनथन की टीम यहां से 10 अंक वो लेकर जाती भी है तो भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। पर मुझे बस ये देखना है कि अगर लॉल्स की टीम से -10 होते हैं तो क्या वो 17 से नीचे आ जाएंगे, और जो 9वीं टीम है क्या उनके पास 16 या आसपास का अंक है कि वो लॉल्स को पछाड़ के टॉप 8 के अंदर आ पाए। मुश्किल हो पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके पॉइंट्स अच्छा, लॉल्स की टीम टॉप पर है। यस, लॉल्स की टीम ऑलरेडी टॉप पर है, पहले प्लेस पर थी, उनके पॉइंट्स यहां पे 27 से अबव थे, तो उनको इतनी परेशानी नहीं होने वाली। इवन इफ वहां पे 10 पॉइंट जॉनथन की टीम को मिलते भी, तो 14 का आंकड़ा वो छुएंगे, चाहिए थे 17, तो इतना कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 23-20 का ये स्कोर एंड जॉनथन की टीम इस मैच को निकाल लेगी मेरे हिसाब से। जी हां, 24-20 का ये आंकड़ा है, चलिए उसे 25 कर दीजिए। पर मुदित वो अभी भी कोशिश करते हुए, आज का दिन मुदित के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है, चाहे वो पेलोड के मैचेस जिस तरीके से उन्होंने खेले उसकी बात करी जाए, या फिर पर्टिकुलरली इस मैच की बात करी जाए। इस हम वाव मोड की बात कर रहे हैं कि 2v2 का डीबीएस बैटल चलता हुआ, 9 फिनिशेस मुदित के खाते में भी आता हुआ आपको दिखाई दिया। जॉनथन वो है वहां पर, क्या यहाँ पर रिवाइवल की कोशिश करी जा सकती है? चलिए, वो सिंप का इंतजार कर रहे थे कि सिंप वापस आए और उसके बाद वापस हम फाइट के लिए आगे बढ़े, पर मुदित उन्होंने कोशिश करी, कामयाबी हासिल हुई नहीं। पर जी गॉड कहां से आता है मुझे, सिर्फ उन्होंने 16 फिनिशेस निकाले, जॉनथन के पास 12, 2 और फिनिश और ये मैच खत्म होगा। एंड इतना क्लोज भी नहीं गया एक्चुअली, 5 पॉइंट का डिफरेंस काफी होता है 30 पॉइंटर मैच में। एंड वहां पे जॉनथन जो है
इस मैच में विक्ट्री लेते हुए 14 पॉइंट का आंकड़ा उछू लेंगे, लेकिन 17 नीडेड थे यहाँ पे, तो उतना कुछ खास डिफरेंस दोबारा से मैं बोलूंगा नहीं पड़ा। लेकिन एट द सेम टाइम तारीफ करनी पड़ेगी वहाँ पे लॉल्स की भी। और तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम कॉर्ड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।